हाय फ्रेंड, मैं हो जाए और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको 12th के 50 मार्क्स इंग्लिश का सेट नंबर 3 आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इससे पहले दो सेट अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आपने सेट 1 और सेट 2 आपने नहीं देखा है तो पहले आप सेट 1 और सेट 2 देख लीजिए, देन आप इसके बाद से आप सेट 3 आप देखेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ये, जो स्टूडेंट्स इस पर 12th की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अगर वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया हुआ है, वही मल्टीपल क्वेश्चन, आपके 25 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, और 25 जो है आपको सब्जेक्टिव आता है और 25 ऑब्जेक्टिव। तो 25 ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो 25 आपको जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई कांट लिव विदाउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्ले इन प्लेइंग प्लेस, आई कांट लिव विदाउट क्रिकेट। तो यहाँ पे आपको फील करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेइंग यहाँ पे होगा, क्योंकि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप एक बार ध्यान देंगे, 4 आ जाए, विदाउट आ जाए और बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, ये जब कभी भी आ जाए, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। ये दिमाग में आप ये बात हमेशा आप डाल करके रखिए कि आने वाला वर्ब होगा वो चौथा फॉर्म होगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लेइंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रॉग जॉम डैश डैश द रिवर, यानी कि दो फ्रॉग था, उन्होंने वो जंप लगाया रिवर में। तो यहाँ पे इनटू का यूज़ किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब जब किसी वस्तु का एक जगह से दूसरे जब उसकी स्थिति बदलती है तो उस सिचुएशन में इनटू का यूज़ किया जाता है। क्योंकि पहले फ्रॉग बाहर था, जब वो पानी में जंप किया तो उसका स्थिति बदला, तो इसीलिए इनटू का यूज होगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर एक जगह खड़ा है, अगर फिर वो बाहर कहीं और वो जाता है तो फिर क्या वहाँ पे भी इनटू का यूज होगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो नहीं होगा। तो बाहर से जब वो अंदर की तरफ आएगा, उसने जो है जंप किया रिवर में, तो इसीलिए वहाँ पे इनटू का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं, द थीप ब्रोक माई हाउस एट नाइट, यानी कि चोर जो है रात में दरवाज़ा तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनटू का यूज हुआ है। तो इनटू का यूज़ क्या है, ये एक फ्रेज है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना, ज़बरदस्ती तोड़ना, तो ये एक फ्रेज है। और जहाँ पे भी ब्रेक आएगा वहाँ पे इनटू आता ही आता है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेक इनटू होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ही टर्न ऑन डस्ट डस्ट टेलीविज़न। तो इसमें से ऑप्शन आप देख सकते हैं, उन्होंने टेलीविज़न को ऑन किया, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, इसमें आपको आर्टिकल चूज करना है। द रीज़न बिहाइंड कि टेलीविज़न में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वी शुड डू इट। अब इसका आपको पैसिव वॉइस आपको चुनना है, तो पैसिव वॉइस यहाँ पे जो दिया हुआ है अब होगा, इट शुड बी डन बाय अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, और इसका जो है एक्टिव वॉइस क्या होगा ये आपको चुनना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक सही किया गया है, क्योंकि जिस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आए, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि जिस किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आए, तो प्लीज या काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिया जाता है, और बाकी जो सेंटेंस रहता है उसको सेम टू सेम लिख दिया जाता है, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो इसमें करेक्ट वर्ड जो इसमें होगा वो आपको देख सकते हैं, निमोनिया, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन वैन. तो इन वैन का फ्रेज जो होगा, इन वैन का मतलब होता है बेअर्थ होता है या निरर्थक, तो इसीलिए यूजलेस इसका सिनोनिम्स होगा. ओके, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज बियर विद. बियर विद का मतलब होता है सहन करना, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इंड्योर. ये इसका करेक्ट मीनिंग है. क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, डेट इज द हाउस ही वॉज बर्न देयर. और इसको आपको कंबाइन करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिया है. डेट इज हाउस डेट आई वॉज बर्न देयर, ही वॉज बर्न देयर, वेयर द हाउस, द हाउस डेट इज द हाउस वेयर ही वॉज बर्न. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कंबाइन किया गया है सेंटेंस को. डेट इज द हाउस वेयर ही वॉज बर्न, यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस जो है करेक्ट होगा. और इसका मतलब हुआ कि ये वही घर है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था. इज इट क्लियर? और वेयर का मतलब यहाँ पे कहाँ नहीं, यहाँ पे वेयर का मतलब जहाँ होगा, इसलिए ये सही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यू डस डस हैव ए हॉलीडे टुमारो. तो यहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो विल होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, आई डस नॉट गो क्रोश अक्रोश यहाँ पे दिया है. तो आई कैन नॉट गो अक्रोश, यहाँ पे कैन का यूज होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यू यू डज डज चूजन फॉर द फर्स्ट प्राइज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, हैव हैज और हैव बीन और विल, इसमें से एक सही है. तो यहाँ पे हैव बीन होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, और इसका मतलब होगा कि आपको जो है फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया है. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ही प्लेड वंडर वंडरिंग वंडर वंडरफुली. तो यहाँ पे होगा ही प्लेड वंडरफुली. समझ में आया? ओके, क्योंकि प्लेड जो है एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब की ज़रूरत है, तो वंडरफुली एक एडवर्ब है, इसीलिए यहाँ पे वंडरफुली ही होगा. क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, द न्यूज़ इज वेरी, यहाँ पे आपका होगा सरप्राइजिंग टू हियर. द रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि शायद ना भी पता हो, मैं बता दूँ. एक होता है आपका ईडी एडजेक्टिव और एक होता है आईएनजी एडजेक्टिव. तो जो ईडी एडजेक्टिव होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, और आईएनजी एडजेक्टिव होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है. तो इसीलिए जो होगा वो द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, सरप्राइज्ड नहीं हो सकता, सरप्राइज नहीं हो सकता, और नहीं ये तो गलत ही है. तो इसीलिए यहाँ पे होगा सरप्राइजिंग. ध्यान रहे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा सरप्राइजिंग का यूज किया जाता है, यानी कि आईएनजी एडजेक्टिव का. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि द सेंटेंस मेमोराइज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच ए स्मॉल पैट्रियोटिक things as taking the ball or the bat with them when they leave the train. ये sentence जो है किस lesson से लिया गया है? तो ये lesson जो है forgetting से लिया गया है. यह chapter अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा, ये forgetting से इसे लिया गया है. Okay, next question दिया है 17 number. Nowadays people are more dependent. तो आजकल के लोग सबसे ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं. किस पर डिपेंड होते जा रहे हैं? एग्रीकल्चर पे, मशीन पे, या खुद पे, या फैक्ट्री कल कारखानों पे. तो मशीन पे ये
और ऑन सिविलाइजेशन का ये रिलेशन से ये इसको लिया गया है, तो उसमें बताया गया कि आजकल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मशीन पे डिपेंड होते जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद द फोटोग्राफर इज रिटन बाय, ये लिखा गया है स्टीफन लीकॉक के द्वारा, ये लिखा गया है विद द फोटोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ये जो चैप्टर है ये लाइन जो है लिया गया है किससे, ये किसने लिखा हुआ है इसे, तो विलियम वर्थवर्थ ने इसको लिखा गया है, ने इसको लिखा हुआ है उनके ही पोएम से, यानी कि द डेफोडिल से इसको लिया गया है। ओके, हु वॉज बर्न इन बम्बई बट एजुकेटेड इन इंग्लैंड, किसका जन्म बम्बई में हुआ था और शिक्षा उन्होंने प्राप्त इंग्लैंड में, इंग्लैंड से किया, तो रोडियर्ड किपलिंग ने जो है उनका जन्म बम्बई में हुआ और उन्होंने शिक्षा जो है लिया हुआ था इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दिया हुआ कि द सोल्जर हैज़ बिन रिटन बाई, द सोल्जर जो लेशन है वो लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने, काफ़ी ज़बरदस्त पोएम उन्होंने लिखा हुआ था कि द सोल्जर, ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई थिंक यू शुड रीड, आपको पढ़ना चाहिए वो चैप्टर। ओके, और ये पोएम जो उन्होंने लिखा हुआ था कि द सोल्जर, ये आपको 50 और 100 मार्क्स दोनों में आपको पढ़ने हैं, तो इसका अगर 50 मार्क्स में भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ डेविड्स मदर, डेविड के माँ के क्या नाम था। ओके, तो डेविड के माँ का जो नाम था वो याद रखेंगे आप, कलरा कॉपरफील्ड उनका नाम था, डेविड के माँ का जो नाम था वो कलरा कॉपरफील्ड। ओके, एमिली वॉज इलोप्ड बाई, तो इलोप्ड का मतलब होता है भगाना, ध्यान रखेंगे रन अप नहीं होगा, रन अवे नहीं होगा, क्योंकि जब कोई किसी को लेकर के मैरिज के पर्पज से लेकर के जब कोई किसी को भागता है तो उसके लिए इलोप वर्ड स्पेशली यूज किया जाता है, इज इट क्लियर। तो एमली को भगाया गया था किसके द्वारा, तो जेम्स स्ट्रेटफोर्ड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यूरिया हीप वॉज द क्लर्क ऑफ, यूरिया ही किसका क्लर्क था, तो यूरिया हीप जो था वो विकफील्ड, मिस्टर विकफील्ड के वो क्लर्क था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, और लास्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर क्रिकल, मिस्टर क्रिकल कौन थे, अगर आपने, अगर आप पढ़े होंगे तो आई थिंक आपको याद होगा कि मिस्टर क्रिकल वो एक प्रिंसिपल होते हैं, और डेविड को सबसे पहले इन्हीं के स्कूल में भर्ती कराया जाता है, मिस्टर क्रिकल ये जो एक स्कूल के प्रिंसिपल है, समझ में आया, तो सबसे पहले डेविड को इन्हीं के स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, मिस्टर क्रिकल के, और यहाँ पे काफ़ी बिगड़े हुए लड़के जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये आपका टेस्ट 3rd था, और आपको 100 मार्क्स इंग्लिश का अगर सेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं सेट आपको ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।